अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल सा लोगो क्रिएट करना चाहते हैं बट आपके पास एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं है तो घबराना नहीं है, मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको वो तमाम टूल्स मिलेंगे जो कि एडोब फोटोशॉप के होते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। दोस्तों मैं मोहम्मद अदनान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैमिलीज। दोस्तों आज की ये वीडियो मेरी इस प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह हम अपने YouTube चैनल के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं, YouTube चैनल का लोगो क्या होता है, उसका रिकमेंडेड साइज क्या होता है और उसको क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। आज मैं आपको दो वेबसाइट बताऊंगा जिसमें से एक है फ्री की और दूसरी भी फ्री की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह इसको क्रिएट करते हैं। आप जब भी YouTube चैनल ओपन करते हैं आपको ये वाली जो पिक्चर नजर आ रही होती है ये बेसिकली किसी भी YouTube चैनल का चैनल लोगो या चैनल आर्ट कहलाता है। अब इसका रिकमेंडेड साइज क्या होता है, इसका जो रिकमेंडेड साइज होता है वो होता है 800x800 मेगापिक्सल। मैं आपको दो वेबसाइट बताऊंगा जिनमें से एक फ्री है और दूसरी वो भी फ्री है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गूगल के अंदर जाऊंगा और जाके टाइप करूंगा कैनवा। ये एक बेहतरीन वेबसाइट है बिगिनर्स के लिए, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। जैसे ओपन करेंगे आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना अपनी फेसबुक आईडी के थ्रू या गूगल आईडी के थ्रू। उसके बाद क्या करना है, आपने क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट टाइप करना है यूट्यूब चैनल लोगो, यूट्यूब चैनल लोगो। ये देखिए आप यहाँ पे साइज भी लिखा हुआ आ रहा है 800x800 मेगापिक्सल, आपने जस्ट इसको करना है क्लिक। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये एक और नए टैब के अंदर खुल जाएगा और आपके पास एक आर्ट बोर्ड आ जाएगा जहां पर जाके आप अपने YouTube चैनल के लिए चैनल बैनर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सारे टेम्पलेट नजर आ रहे होंगे, इसमें से कुछ पेड है कुछ फ्री के अंदर है जिनके ऊपर ये क्राउन बना हुआ, ये सारे आपके पेड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। इनमें से जो फ्री वाले हैं आप उनको यूज करके अपना चैनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक स्टार्ट करके आपको एक करके दिखाता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपना वर्डिंग वगैरह चेंज कर लूंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक अपना चैनल क्रिएट किया था एडी यूट्यूबर्स, तो मैं क्या करूंगा एडी, मैं एडी का लोगो क्रिएट करना चाहता हूँ। आप अपने चैनल के हिसाब से अपना लोगो क्रिएट कर ले, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ए, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे भी करूंगा एडी, अब देखें ये हो गया। अब ये इसको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप फिर भी इसको छेड़छाड़ करके थोड़ा सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर रहे हैं, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और जाके यहाँ से भी जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इसका आप जो चूज कर लेना, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने चले जाना है इसके अंदर टेक्स्ट कलर के अंदर और यहाँ पे जाके आप जो भी कलर रखना चाहते हैं आप यहाँ से इसको इजिली रख सकते हैं। देखिए ये वाला कलर बेटर रहेगा, तो चलिए मैंने ये वाला कलर यहाँ पे चूज कर लिया। अब आपका ये वाला जो लोगो है उसका जो मेन जो लुक है वो हो गया। अब मैं क्या करूँगा इसके नीचे मैं कुछ वर्डिंग लिख देता हूँ, यानी कि मैं अपने चैनल का पूरा नाम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा टेक्स्ट के अंदर जाऊंगा, टेक्स्ट के अंदर जाके आपको यहाँ पे तरह तरह के टेक्स्ट मिल जाएंगे। मैं ये वाला हैप्पी बर्थडे वाला टेक्स्ट यूज कर लूंगा, इसका बहुत अच्छा लुक होता है। मैंने इसको जैसे क्लिक किया ये यहाँ पे ड्रॉप होके आ गया। मैं क्या करूंगा इस वाले क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा जस्ट ऐसे करूंगा और कर दूंगा डिलीट। अब मेरे पास जस्ट ये वाला टेक्स्ट बचा, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और मैं लिख दूंगा एडी यूट्यूबर, ठीक हो गया हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है इसको क्लिक करना है और उसको मैंने थोड़ा एडजस्ट कर देना है यहाँ पे। अब मैंने इसका थोड़ा साइज छोटा कर देना क्योंकि ये थोड़ा सा उसके बाहर निकल रहा है, तो मैं इसका साइज कर देता हूँ छोटा, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लिया, अब मेरा ये यहाँ पे रेडी हो गया आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसका कलर ये वाला रख लेता हूँ, बल्कि मैं इसका कलर जो रख देता हूँ ये वाला और इसका मैं रख देता हूँ ये वाला, ठीक हो गया। ये होगा आपका कंट्रास्ट के अंदर आके, ये बेहतरीन सा एक लोगो क्रिएट हो गया आपका और दो मिनट भी लगे लोगो क्रिएट हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है आपने शेयर के अंदर जाना है, शेयर के अंदर जाके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सजेस्टेड साइट जो देगा वो आ देगा पीएनजी, आपने पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये लोगो क्रिएट होकर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये डाउनलोडिंग हो रही है, जैसे डाउनलोड होता है मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ये देखो कितना प्यारा सा क्रिएट होके आ गया आपके यूट्यूब चैनल का लोगो। तो ये एक तरीका था कैनवा के थ्रू क्रिएट करने का। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप एडोब फोटोशॉप वाले वो तमाम टूल यूज कर सकते हैं जो आप उसके सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैंने चले जाना गूगल के अंदर, गूगल के अंदर जाके मैंने यहाँ पे टाइप करना है, मैं गूगल के अंदर आ गया, मैंने यहाँ पे टाइप करना है
फोटो पीई, फोटो पी। मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ फर्स्ट वन जो मुझे वेबसाइट मिल जाएगी www.photopi.com, मैंने इसको कर देना है क्लिक। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, बूम, ठीक है ये वेबसाइट आ गई। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा यूट्यूब प्रोफाइल या यूट्यूब चैनल या यूट्यूब प्रोफाइल, आपने इसको क्लिक करना है, ये वाला प्रोजेक्ट ले लेना है। और उसके बाद आपने आठ, ये देखो ऑटोमेटिकली 800x800 साइज आ गया। आपने जस्ट क्रिएट को क्लिक करना है। अब जैसे क्रिएट को क्लिक करेंगे आपके पास ये आपका आर्ट बोर्ड आ जाए। अब मेरे पास ये वाला आर्ट बोर्ड आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसका कलर सबसे पहले चेंज कर लेना। इसका कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बकेट टूल का यूज करूंगा, पेंट बकेट टूल। मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई सा भी कलर इसका चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं करूंगा और उसके बाद क्लिक करूंगा, बूम मेरा कलर चेंज। उसके बाद क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर एक सर्कल ले लेना है। सर्कल ले लेंगे आप, रेक्टेंगुलर ले लें आपकी मर्जी है। मैं इसके अंदर अपने चैनल को देखते हुए रेक्टेंगुलर बल्कि सॉरी सर्कल ले लूंगा और मैं जैसे इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा। ठीक हो गया, ये कर दिया। और ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, थोड़ा इसको करता हूँ शिफ्ट की मदद से इसको मैं करता हूँ बड़ा, सॉरी मैं इसको करता हूँ बड़ा। ठीक हो गया, अब मैं इसको करता हूँ सेंटर लाइन। ठीक हो गया, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, जो ब्लैक ब्लैक सा कलर आ रहा है मुझे ये कलर नहीं चाहिए। मैं क्या करूँ, उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ये वाली लेयर को आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे थ्री लाइन्स के अंदर चले जाना और यहाँ पे जाके आपने लाइट शेप मास्क और लेयर, आपने लेयर के अंदर जाना है और लेयर के अंदर जाके आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर, मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद इसको मैं दोबारा बैक आ जाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने चूज करना है फोन्ट्स को। अब फोन्ट के लिए मैं राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे टूल्स आ रहा है फोन्ट्स का, मैंने इसको क्लिक करूंगा और आके यहाँ जस्ट इसको टिक करूंगा तो मेरे पास फोन्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूंगा ए। ठीक हो गया, अब मैंने ए लिख दिया। अब इसको मैं करूँ थोड़ा अलाइन, अब मैं इसको ड्रॉप ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज वाइज थोड़ा इसका कर दूंगा बड़ा। आपने इसको अपने तरीके से आराम से बैठ के और अपने स्टाइल के साथ इसको एडिट करना है। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ, बाकी करना आपने काम। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे कर लिया। अब मैं अगर इसकी कॉपी ले लेता हूँ, मैंने ए डी वर्ड यूज करना है, तो मैं अगर इसकी कॉपी लेने के लिए मैं इसको क्लिक करूंगा और मैंने ऑल्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और इसको ऐसे ब्रेक कर देना आगे की तरफ। ये देखे ये डुप्लीकेट हो गया, उसके बाद आ गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट को क्लिक करना है और जाके इसको डबल क्लिक करना है तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा डी का। ठीक हो गया, अब मैंने इसको कर दिया ओके। अब मेरे पास देखें ये बेहतरीन सा लोगो क्रिएट होके आ गया। अब मैंने क्या करना है इसको, अब मैं थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेना, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेना इसके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ये देखें ये हो गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इवन मैं इसके फोन्ट्स वगैरह भी चेंज करना चाहता हूँ, फोन्ट्स भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ये बहुत अच्छे फोन्ट लग रहे हैं मुझे। तो अगर आप इसे फोन्ट चेंज करना चाहते भी है तो आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करें और आप यहाँ पे जाके इसके फोन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। देखें जैसे ये वाला फोन्ट आ गया, मैं अगर इस फोन्ट को अगर रखूँ, ठीक हो गया। अब इसको भी मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा फोन्ट्स के अंदर, मैं ये वाले बॉयकॉट का फॉन्ट है वो यूज करूंगा। ये बहुत ही प्यारा फॉन्ट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, मैं इसी को चूज करूंगा। ये देखें, ठीक हो गया, आपने इसको इस तरह सेट कर लेना। आप इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट वाले क्लिक करना है और करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और इसका यहाँ से कलर आपने कर देना है चेंज। ये देखिए आप इसका रेड भी कर सकते हैं, ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। ठीक हो गया, और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा यूनिक सा कलर रख देता हूँ, जैसे ब्लूइश, ब्लू ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये वाला कलर, आप अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर लीजिएगा, मुझे कलर से इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, तो आप अपने हिसाब से इसको कलर चेंज कर लीजिएगा। ठीक हो गया, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, छोटा सा जो टाइटल इसके नीचे भी लिखूंगा, क्या करूंगा दोबारा मैं कलर के अंदर टेक्स्ट के अंदर जाऊंगा टाइप टूल के अंदर और यहाँ पे करूंगा टिक। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा राइटिंग का, टाइपिंग का। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डी, सॉरी ए डी यूट्यूबर। ठीक है,
अब ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकल रहा है इसका फोन का साइज बहुत ज्यादा, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और इसका जो फोन है वो मैं कम कर दूंगा, ये देखें ठीक हो गया। इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा कर लूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन टूल को क्लिक करूंगा और इसको मैं करूंगा एडजस्ट, ये देखें ये यहाँ पे एडजस्ट हो गए। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर ले, मैं इसका कलर चेंज नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, तो ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है। अगर आप यहाँ से इसका, सॉरी मैं इसको जरा सेट कर देता हूँ यूट्यूबर, ट्यूबर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और मैंने जाके यहाँ पे इसको ये देखा लाइन हो गया सेंटर। आज का भी कलर अगर दोबारा आपको अच्छा नहीं लग रहा कलर तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसका कलर दोबारा। आपने सो इस वाले लेयर याद रखिएगा, इस पे जिस लेयर पे क्लिक करेंगे जो लेयर सिलेक्ट होगी उसी लेयर पे काम होगा। आपने इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बकेट टूल के अंदर जाना है, पेंट बकेट टूल को इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आके आप जो भी कलर इसका चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप इजिली वो कर सकते हैं। ये देखिए ये व्हाइट हो गया, ठीक हो गया। इस तरह आप अपने चैनल के लिए चैनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप बगैर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए एडोब फोटोशॉप के आप एक अच्छे तरीके से उसी तरह के टूल्स को यूज करते हुए एक अच्छा सा कैची सा अपने यूट्यूब चैनल के लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड और शेयर किस तरह करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखे जरा, आपने क्या करना है, जस्ट फाइल के अंदर चले जाना है, फाइल के अंदर जाके आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीएनजी करना है, उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे आगे कर देना है सेव। आप जैसे सेव करेंगे यहां से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखें बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा लोगो क्रिएट होकर आ गया। देखा दोस्तों आपने किस तरह हमने बगैर सॉफ्टवेयर को यूज किए हुए ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके वो तमाम तरह टूल को यूज किया जो कि एडोब फोटोशॉप के अंदर होते हैं और एक अच्छा सा चैनल का लोगो क्रिएट कर लिया। आप बिल्कुल इसी तरह इस वेबसाइट के अंदर आप अपने चैनल के थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं वीडियोस के लिए जो बनते हैं, और इसके साथ साथ लोगो क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पेज के वगैरह के लिए, कवर वगैरह के लिए। आप तमाम की तमाम चीज़ें जो फोटोशॉप पे मिलती हैं वो यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सा कैची सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह के मजीद वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।